हेलो, इस वीडियो में हम लीनियर और बाइनरी सर्च करना सीखेंगे। जब हमारे पास बड़े डेटा सेट होते हैं तो हमें उनमें डेटा ढूंढने की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे आसान तरीका है लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च में हम एरे के हर एक एलिमेंट को सीक्वेंशली चेक करते हैं। जब तक हमें मैचिंग एलिमेंट नहीं मिल जाता या हम उस एरे के एंड तक नहीं पहुँच जाते। चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लिस्ट या एरे है और आपको उसमें से 30 नंबर ढूंढना है। इसमें हमने आपको इंडेक्स नंबर भी शो किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इंडेक्स 0 पे हमारा पहला नंबर है 23। अब लीनियर सर्च में हम शुरू से कंपेयर करना शुरू करेंगे, मतलब सबसे पहले 23 से। यह 30 से मैच नहीं होता तो अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे। हम अब 14 से कंपेयर करेंगे, यह भी मैच नहीं होता। इस तरह एक एक करके हम हर एक नंबर चेक करेंगे जब तक हमें 30 नहीं मिल जाता या हम अंत तक नहीं पहुंच जाते। अगर हमें मिल जाता है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं जो हमें उसकी पोजीशन देता है। अब हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। सबसे पहले हम एक एरे या लिस्ट लेंगे जिसका साइज है n। अब हम वह नंबर लेंगे जो हमें ढूंढना है एक वेरिएबल num में। अब हम एक लूप सेटअप करेंगे जो एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा, मतलब जीरो इंडेक्स से शुरू करके लास्ट इंडेक्स n तक जाएगा। लूप के अंदर हम हर बार चेक करेंगे कि नम उस इंडेक्स के एलिमेंट से मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो हम उसकी पोजीशन या इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिला, मतलब हम ढूंढते ढूंढते एरे के अंत तक आ गए, मतलब लूप से बाहर निकल गए, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, मतलब कि यह नंबर एरे में नहीं है। अब लीनियर सर्च बहुत सरल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन बड़े डेटा सेट्स के लिए ये बहुत टाइम लेता है। तो हम एक और पॉपुलर तरीका देखेंगे जो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को हाफ इंटरवल सर्च या लॉगरिथमिक सर्च भी कहा जाता है। यह सर्च सॉर्टेड एरे पे ही काम करता है। यह एक एरे या लिस्ट को बार बार आधे में डिवाइड करता जाता है, जिसमें नंबर को ढूंढना है जब तक कि एक ही लोकेशन नहीं रह जाती। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हम एक ये एरे लेते हैं और उसमें से हमें नंबर 30 को ढूंढना है। साथ में हमने इन नंबर के इंडेक्स भी दिए हैं, जो आप देख सकते हैं 0 से शुरू हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम पूरे इंडेक्स को लेंगे और एरे की शुरुआत को लो मार्क करेंगे जो है 0 इंडेक्स, और एरे के एंड को हाई मार्क करेंगे जो इसमें इंडेक्स 9 है। अब हम एरे की बीच की वैल्यू लेंगे जो है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एलिमेंट जो फोर्थ इंडेक्स पे है, और उसको 30 से कंपेयर करेंगे। यहाँ है 26, लेकिन 30 26 से ज़्यादा है। क्योंकि यह एरे सॉर्टेड है, हमें पता है कि हमारा नंबर राइट साइड पे ही हो सकता है, तो हम लेफ्ट साइड के एरे को छोड़ देंगे और अब राइट साइड में ही ढूंढेंगे। तो अब हम लो को मिड के अगले नंबर पे सेट कर देंगे। हम फिर से एरे का मिड नंबर निकालेंगे जो है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 पोजीशन पे, और इसे कंपेयर करेंगे 30 से। लेकिन अब 58 बड़ा है 30 से, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, मतलब हमारा नंबर उसके राइट में नहीं हो सकता। तो अब हम लेफ्ट साइड पे ही सर्च करेंगे और हाई को मिड के पहले वाले नंबर पे सेट कर देंगे। हम फिर से मिड नंबर कैलकुलेट करेंगे जो है 28, जो हमारे नंबर से कम है, तो हम लो को उसके अगले नंबर पे सेट कर देंगे। अब लो मिड हाई सभी एक ही नंबर को पॉइंट कर रहे हैं। जब हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें हमारा मैचिंग नंबर मिल जाता है। तो अब हम इंडेक्स 6 रिटर्न करते हैं जिस पोजीशन पे हमें नंबर मिल गया है। अब हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। पहले हम एक एरे या लिस्ट लेंगे n साइज का। जिस नंबर को हमें ढूंढना है उसे हम वेरिएबल num में लेंगे। हम एरे के पहले एलिमेंट को लो सेट करेंगे
जो इंडेक्स 0 पे है, और हाई को लास्ट नंबर पे जो इंडेक्स n-1 पे है। अब हम एक लूप सेट करेंगे जो तब तक सर्च करेगा जब तक हमारा एरे खाली नहीं हो जाता। मतलब अगर हमारा लो हाई से ज़्यादा हो गया तो एरे खाली हो चुका है। पहले एरे के बीच का इंडेक्स निकालेंगे जो है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे नंबर को एरे की मिड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो हम वह पोजीशन या इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा नंबर कम है मिड वैल्यू से तो हम अब सिर्फ लेफ्ट साइड में ढूंढेंगे और हाई को मिड के पहले वाले इंडेक्स पे सेट कर देंगे। अगर हमारा नंबर बड़ा है तो फिर मिड के राइट साइड में ढूंढेंगे और लो को मिड के अगले नंबर पे सेट कर देंगे। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक नंबर नहीं मिल जाता या लो हाई से ज़्यादा हो जाता है, मतलब पूरा एरे ढूंढ लिया है। तो यह था बाइनरी सर्च का सूडो कोड। अब हम जावा कोड लिखेंगे लीनियर और बाइनरी सर्च के लिए। अगर आपको C++ आता है तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट वाइज सेम ही है। लीनियर सर्च के प्रोग्राम में हम सर्च को एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एरे और नंबर नम को एज अ पैरामीटर पास करके। लेकिन आप इसे मेन में डायरेक्टली लिख करके भी उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप सेटअप करते हैं जो एरे के लेंथ तक सेट होगा और जो एरे के हर एक एलिमेंट पे एक एक करके जाएगा। इस लूप में हम एक इफ कंडीशन डालेंगे जो नम को कंपेयर करेगा हर एक एलिमेंट के साथ। अगर हमारा नंबर मैच हो गया तो यह इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर पूरे एरे सर्च करने पे नंबर नहीं मिला तो यह -1 रिटर्न करेगा। तो यह था कोड लीनियर सर्च का। अब हम बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे। इसको हम एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे जो एक एरे और नंबर नम एज फंक्शन पैरामीटर लेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे सीधा मेन में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लो को एरे की फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0 सेट करेंगे और हाई को आखिरी इंडेक्स यानी कि एरे की लेंथ -1 सेट करेंगे। फिर हम एक लूप सेट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारा एरे खाली नहीं हो जाता। लूप के अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरे की मिड पोजीशन जो है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। फिर हम हमारे नंबर को मिड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैच होता है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। अगर मैच नहीं होता है तो हम चेक करेंगे कि नम कम है उस एलिमेंट से। अगर कम है तो अब हम लेफ्ट साइड में ही ढूंढेंगे और हाई को मिड के पहले वाले इंडेक्स पे सेट कर देंगे। अगर हमारा नंबर बड़ा है तो फिर मिड के राइट साइड में ढूंढेंगे और लो को मिड के अगले नंबर पे सेट कर देंगे। इस तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक नंबर नहीं मिल जाता या लो हाई से ज़्यादा हो जाता है, मतलब पूरा एरे ढूंढ लिया है। अगर नंबर नहीं मिला तो प्रोग्राम -1 रिटर्न करेगा। तो यह है प्रोग्राम बाइनरी सर्च का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें simplycoding.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।